हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमानेंट स्किन वाइटनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कमेंट में, लोग पूछते हैं कि कुछ ऐसा बताऊं जो परमानेंट स्किन वाइटनिंग कर दे, तो आज मैं उसी के ऊपर टॉपिक लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि हमारे स्किन का कलर कैसे और किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, और अगर वाइटनिंग का चाहिए और कलर साफ चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। मैं इस चीज़ को पूरे आज ये टॉपिक लूँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हमारे कलर जो होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मेलानिन पिगमेंट, जो काला कलर होता है, जो काले पिगमेंट होते हैं। दूसरा डिपेंड करता है हीमोग्लोबिन पिगमेंट, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं वो हमारे कलर को बनाने में, हमारा जो शेड होता है उसको हेल्प करते हैं। दूसरा होता है बाइल पिगमेंट, जो येलो पिगमेंट होते हैं। फिर होता है फ्यूमेलानिन एंड यूमेलानिन। अभी आप देखे होंगे कई किसी लोगों को पीलिया हो जाता है, तो वो लाइक हेपेटाइटिस हो गया अगर उन्हें, या पीलिया हो गया, या जॉन्डिस हो गया, या कुछ हो गया जिसमें बाइल पिगमेंट अगर उनके ज़्यादा बन रहे हैं बॉडी में, तो वो उनका कलर पीला हो जाता है एकदम। तो बॉडी में बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जो स्किन में आके डिपॉजिट हो जाता है, तो उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरी बात है, अगर आपने कई लोगों को देखा होगा जो एनीमिक होते हैं, खून की कमी हो जाती है जिनको, वो एकदम पेल हो जाते हैं बिकॉज उनके हीमोग्लोबिन पिगमेंट कम हो जाता है। तो अगर किसी में ज़्यादा हीमोग्लोबिन पिगमेंट है, ज़्यादा खून है, तो ज़्यादा उनका कलर अलग दिखेगा। किसी में मेलानिन पिगमेंट का प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उनका कलर अलग दिखेगा। किसी में बाइल पिगमेंट का सिक्रेशन ज़्यादा है तो उनमें अलग कलर दिखेगा। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है हमारे कलर को निर्धारित करने में। अभी बात करें परमानेंट स्किन वाइटनिंग की, तो जो बहुत सारे लोग पूछते हैं परमानेंट स्किन वाइटनिंग, यस, परमानेंट लाइफ लॉन्ग के लिए स्किन वाइटनिंग किया जा सकता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लाइफ लॉन्ग हम स्किन वाइटनिंग को कर सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट करेंगे जिसमें आपका लाइफ लॉन्ग कलर चेंज हो जाएगा। बट उसमें भी एक ग्लिच है। कुछ क्रीमें आती हैं जो परमानेंट स्किन वाइटनिंग करती हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा वरना लोग चालू कर देंगे उसका यूज़ करना, बट वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं लाइक एडवांस वाइट, या मैं आपको कई बार बताया इंस्टा वाइट पैक के बारे में बताया, नोकी कोरियन वाइटिंग क्रीम के बारे में बताया, एडवांस वाइट किट के बारे में बताया, ये टोटली सेफ है। सेफ कैसे है? जो मेलानिन पिगमेंट होता है ना, वो हमारे मेलानोसाइट बनाती है। 32 जर्मिनेटेड सेल के बीच में एक मेलानोसाइट होता है, जो मेलानिन पिगमेंट की फैक्ट्री होती है। जब हम यूवी रेज के टच में जाते हैं, बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो या हम कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मोबाइल के सामने बैठे हैं, जब भी यूवी रेज हमारे स्किन में आती है, कुछ आती है, तो वो मेलानिन पिगमेंट को बनाती है। ये जो मेलानिन पिगमेंट होते हैं, ये हमको जो यूवी रेज के डैमेज से हमको बचाते हैं। अगर ये ना हो, ना बने, तो हमको स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपने कोकेशियन स्किन को देखा होगा, जो फॉरेनर होते हैं, जो लाइक यूएस और आयरलैंड साइड के होते हैं, यूके साइड के लोग होते हैं उनको, या ऑस्ट्रेलिया टाइप साइड के लोग होते हैं जिनकी स्किन टाइप 1 और 2 होती है, उनको स्किन कैंसर प्रोन ज़्यादा होते हैं वो लोग, है ना, उनको जल्दी स्किन कैंसर होता है बिकॉज उनकी स्किन में मेलानिन पिगमेंट नहीं बनता है। मेलानिन पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्किन के लिए, हमें स्किन को सेफ्टी के लिए। कई क्रीम होती हैं जो ये पिगमेंट को बनने से ब्लॉक कर देती हैं, जो मेलानोसाइट, जो स्किन फैक्ट्री होती है, उसकी मेलानिन पिगमेंट की फैक्ट्री होती है, उसको ही डिस्ट्रॉय कर देती है। वो क्रीम बहुत खतरनाक होती है, तो प्लीज़ परमानेंट स्किन वाइटिंग की तरफ ना जाएं। ये उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं जो लाइक जिसको ल्यूकोडर्मा होता है या विटिलिगो होता है, वो चाहते हैं कि उनको एक कलर हो जाए, या तो वो पूरे ब्लैक हो जाए या पूरे वाइट हो जाए। उचित कपड़ा जिनका होता है ना, कि पर्टिकुलर यहाँ पे वाइट है, इधर ब्राउन है, इधर वाइट है, इधर ब्राउन है, जो उचित कपड़ा कलर जिसको कहते हैं, कहीं वाइट कहीं ब्राउन, हम उसको उनको प्रिस्क्राइब करते हैं वो क्रीम की, आप ये अप्लाई करो, आपका एक कलर हो जाएगा। बहुत सारे लोग जिनको गलती से दो पता चल जाता है, वो अप्लाई करते हैं, उसके बाद उनको एकदम वाइट हो जाते हैं वो लोग, लाइक एल्बिनिज्म टाइप के लोग जो होते हैं ना, सूर्यमुखी टाइप के जाते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता है। सो सेफली आप प्ले करो, सेफली रहो। गोरा होना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ है, आपकी स्किन है। तो मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेफ प्रोडक्ट यूज़ करिए, जो हम लोग बताते हैं सेफली, जो मैंने आपको इतने दिनों से बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए हैं, चाहे वो ग्लूटाथियोन का ट्रीटमेंट हो, चाहे एडवांस वाइट हो, चाहे इंस्टा वाइट पैक हो, या फिर नोकी वाइटनिंग क्रीम हो, ये आपको तब तक ही गोरा करेगी जब तक आप उसको मेंटेन कर पाओगे। अगर आप इसको मेंटेन नहीं करोगे तो रिजल्ट 10 दिन भी नहीं चलेगा, बिकॉज आप जैसे धूप में जाओगे आपका कलर पिगमेंट वापस बन जाएंगे अगर सन प्रोटेक्शन नहीं लोगे तो।
आपको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए. सो ये टोटली सेफ है. बट अगर मैं आपको वो क्रीम बता दूं जिससे आपको परमानेंट वाइटिंग, जो मेरे को आप कमेंट में देखे होंगे बहुत सारे वीडियोस के कमेंट मारा कि परमानेंट स्किन वाइटिंग बताइए, परमानेंट स्किन वाइटिंग के बारे में बताइए, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ परमानेंट स्किन वाइटिंग के लिए कोई भी ऐसी कोई क्रीम मत लगाइएगा जिसके बारे में आपको पता ना हो, वो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है. ये सीरियसली मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ, सीरियसली इस बात को लीजिएगा मेरी. और मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा. बहुत दिन बाद मैंने वीडियो बनाया है, थोड़ा बिजी था. सो और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए. मेरी आईडी है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता. और टू फॉलो मी, चलो बाय. और हाँ प्लीज़ ऐसे कोई भी क्रीम मत लगाइए जो मेलनोसाइट को डिस्ट्रॉय कर दे. बाय.